बच्चों, कक्षा 10 के 4 अध्याय हमने पूरे कर लिए हैं। इस वीडियो में अपने अध्याय 5 के भाग 1 को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपने जो टॉपिक रहेगा वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, उसके रूप क्या हैं, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, उसके लिए सिद्धांत क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोकतंत्र की डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने क्या है इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। तो ये है जो है वो आपका पहला भाग है। नेक्स्ट जो अपने चलते हैं, सबसे पहले कि लोकतंत्र क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है अपना लोकतंत्र का अर्थ। देखो, लोकतंत्र का मतलब हिंदी के अनुसार देखें अपने तो लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब जनता का बनाया हुआ सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिस सिस्टम को या जिस तंत्र को, जिस व्यवस्था को जनता स्वयं चलाती है, स्वयं उसको का मार्गदर्शन करती है, स्वयं उस पर नियंत्रण करती है, वो तंत्र या वो सिस्टम क्या होता है, जनता का होता है, और उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अगर अपने इंग्लिश के अनुसार चलें तो वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसका हिंदी में हमें अर्थ मिलता है लोकतंत्र। ठीक है, अब इस इंग्लिश के वर्ड से अपने डिफाइन करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, पहली बात ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, जो दो अलग अलग पार्ट से बन के बना है, डेमोस और क्रेटिया। दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेटिया। तो इसके अनुसार पहला जो वर्ड है डेमोस, जिसका अर्थ क्या होता है, भीड़, और बाद में जाकर इसको डेमोस को क्या है, जनता के अर्थ के लिए काम में लिया जाने लगा। यानी पहले डेमोस का जो प्रारंभिक अर्थ माना जाता था वो क्या था, भीड़, और भीड़ से उसका अर्थ क्या है समझा जाने लगा। डेमोस को किसके लिए प्रयोग में लिया जाने लगा, जनता के लिए। यानी डेमोस का अर्थ क्या हो गया, जनता। क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। क्रेटिया का अर्थ क्या होता है, शक्ति, यानी जनता या जनशक्ति। इसका अर्थ क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ तो क्या बन गया, जनशक्ति। और वैसे देखें तो यानी जनता के हाथ में शक्ति होना, यानी पूरा का पूरा शासन के ऊपर नियंत्रण, शासन के ऊपर नियंत्रण होना, शासन का गठन करना, शासन के अधिकारियों का चयन करना और शासन के अधिकारियों को उनके पद से हटाना क्या होता है, जनता के नियंत्रण में होता है। पूरे शासन के जो शासन होता है वो नियंत्रण में होता है, उसका गठन करना हो, चाहे प्रतिनिधियों का चयन करना हो और चाहे उनको पद से हटाना हो, तो वो सारी शक्ति किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में हो, वही क्या है, डेमोक्रेसी है। इसका शाब्दिक अर्थ आपने समझा कि जनता की शक्ति जो क्या है, नियंत्रण करती है, उस पर गठन करती है या उसका चयन करती है वगैरह जो भी है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया, जनता की शक्ति या जनता जो है वो शासन का नियंत्रण करे, गठन करे, उसका चयन करे या जरूरत पड़ने पर उसके अधिकारियों को हटा भी दे, इसका अर्थ यह है। लेकिन इसके कई और भी अर्थ माने जाते हैं, इसके साथ साथ कई अर्थ इसमें निहित हैं, जैसे निर्णय लेने की विधि है, यह है लोकतंत्र क्या है, निर्णय लेने की विधि है, निर्णय लेने का, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। यानी सिर्फ एक निर्णय नहीं होता, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय की इम्पोर्टेंस होती है, साथ ही साथ आदर्श मूल्य भी इससे संबंधित हैं या इस अवधारणा में प्रत्येक वर्ग के निर्णय के आदर्श मूल्य
समाहित हैं, आदर्श मूल्य समाहित हैं। कहने का अर्थ यह निर्णय लेने की विधि है, दिस इज अ मेथड टू टेक डिसीजंस, और निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह भी है अवधारणा, जो प्रत्येक वर्ग के निर्णय की क्या करे, उसके आदर्श मूल्यों का क्या करे, समाहन करे या चयन करे, वह विधि क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। इसके अलावा एक जाने माने क्या है दार्शनिक हैं बंस, जिन्होंने क्या है इसके लिए एक और बात कही है। बंस का कथन है कि लोकतंत्र क्या है, मात्र एक अर्थ में पूर्ण नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र जो है वो एक ही अर्थ में पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे भावनात्मक अर्थ भी है इसका, भावनात्मक अर्थ भी लोकतंत्र से रिलेटेड है। बंस के अनुसार ये कथन कहा गया था, इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, भावनात्मक अर्थ हो सकता है या व्यवहारिक अर्थ हो सकता है, सैद्धांतिक अर्थ हो सकता है। इस प्रकार से क्या है लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है, उसके शब्द से लेकर उसके अर्थ तक, यानी शाब्दिक अर्थ से लेकर उसके शब्द के जो व्यवहारिक या सैद्धांतिक या मौलिक अर्थ निकल सकते थे, उस प्रत्येक अर्थ को क्या है यहाँ डिफाइन किया गया। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि इसके विभिन्न रूप क्या क्या हैं। अब हमारे समझ में आ चुका है कि जनता की शक्ति, जिस शासन में जनता की शक्ति का ही नियंत्रण हो, उसके द्वारा ही शासन का कार्यान्वयन हो, उस पद्धति के अलग अलग रूपों के बारे में क्या है अपने अब इस वीडियो में देखेंगे। क्या है पहला विभिन्न रूप, जो लोकतंत्र है उसके अलग अलग रूप हैं, क्योंकि अलग अलग स्थान कर्म और अर्थ के अनुसार उसके अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उदारवादी लोकतंत्र, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र और पश्चिमी लोकतंत्र। ये चार नाम दिए गए हैं राजनीतिक लोकतंत्र को, जिनका एक अलग अलग क्या है विशेष परिभाषा है। जैसे उदारवादी लोकतंत्र जो है वो जनता ने इसको दिया, यह नाम इसको जनता द्वारा दिया गया। कौन सी जनता के द्वारा, जो आधुनिक युग की जनता थी उसने, आधुनिक युगीन जनता ने यह उदारवादी अर्थ क्या है राजनीतिक लोकतंत्र को नाम दिया। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी लोकतंत्र, यह क्या है पौराणिक नाम है इसका, पौराणिक नाम है। और पौराणिक नाम का महत्व क्यों है, व्यक्तिवादी लोकतंत्र का मतलब हो गया प्रत्येक व्यक्ति इसमें क्या है महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करता है, यानी इसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सेदार होता है शासन का, जनता का, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो हिस्सेदार होता है, जिसके लिए इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। उदारवादी आधुनिक जनता द्वारा, पौराणिक नाम है व्यक्तिवादी लोकतंत्र, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सेदारी होती है। पूंजीवादी लोकतंत्र, यह नाम इसको मार्क्सवादी लोगों ने दिया, जो क्या है समाजवाद में विश्वास रखते थे, समाजवाद में विश्वास रखते थे मार्क्सवादी लोग, उन्होंने क्या है इसको पूंजीवादी लोक नाम दिया था, क्योंकि इससे
मार्क्सवादियों को लगता था कि सिर्फ पूंजीवादियों को ही फायदा होता है, और वो क्या चाहते थे, लोकतंत्र के बजाय समाजवाद की स्थापना चाहते थे। और इसके अलावा लास्ट जो अर्थ है वो पश्चिमी लोकतंत्र, वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको याद होगा 1879 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांस की क्रांति के साथ लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि इससे पहले इसी जैसे मूल्यों वाला, इसी प्रकार के गुणों का जो शासन था वो अमेरिका में जब उपनिवेश ही लोगों को हटा दिया था, ब्रिटेन के उपनिवेश वहाँ से हटा दिए गए थे, उस क्रांति में भी क्या है उसी प्रकार का शासन पद्धति शुरू हुई थी। लेकिन हमारे इतिहासकारों के अनुसार क्या है 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद से ही क्या है ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। तो लोकतंत्र की शुरुआत पश्चिमी देशों में होने के कारण इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। उदारवादी आधुनिक जनता के द्वारा, व्यक्तिवादी पौराणिक नाम है, जो पुराने व्यक्ति थे वो कहते थे इसको, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का राज था या प्रत्येक व्यक्ति का शासन में महत्व भाग होता था। पूंजीवादी नाम जो है मार्क्सवादी लोगों ने दिया है जो समाजवाद चाहते थे, और पश्चिमी लोकतंत्र इसका नाम पश्चिमी देशों में शुरुआत होने के कारण हुआ है। नेक्स्ट, राजनीतिक लोकतंत्र का यह तो क्या है सिर्फ नाम बताए गए हैं कि इसके नाम क्या क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं राजनीतिक लोकतंत्र के भाग क्या हैं या इनको किस किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, उदारवादी जो लोग थे जिन्होंने क्या है इसको उदारवादी लोकतंत्र का नाम दिया था, वो क्या है राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख करते हैं। दो रूप कौन कौन से हैं, पहला राज्य के रूप में लोकतंत्र, दूसरा शासन के रूप में लोकतंत्र। राज्य के रूप में लोकतंत्र का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक स्टेट, और डेमोक्रेटिक स्टेट का अर्थ हो गया कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ होगा कि राज्य इस प्रकार की अवधारणा के अनुसार कार्य करे। कौन सी अवधारणा, अवधारणा के अनुसार काम करे। वो अवधारणा क्या होगी कि प्रभुसत्ता जो है वो किसके हाथ में रहेगी, नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, जनता के हाथ में रहेगा। इस प्रकार की विचारधारा जो है वो होनी चाहिए, यानी अवधारणा के अनुसार क्या होगा प्रभुसत्ता का जो निवास है वो जनता में होना चाहिए। इसीलिए जनता को क्या है सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण और उसको हटाने और अंतिम शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। यानी राज्य के रूप में लोकतंत्र का अर्थ, राज्य के रूप में लोकतंत्र का अर्थ होगा कि प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब होता है सारे अधिकार। प्रभुसत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथ में होनी चाहिए, ताकि जनता जो है वो सरकार का निर्माण कर सके, उस पर नियंत्रण कर सके, उसको हटाने की भी शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। अंतिम शक्ति या अंतिम निर्णय लेने, निर्णय की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। और यह अवधारणा कौन से लोकतंत्र के अंतर है, उदारवादी लोकतंत्र के जो दो रूप बताए गए थे राजनीतिक लोकतंत्र में, उदारवादी लोकतंत्र के दो रूप बताए गए हैं। उन दोनों रूपों में सबसे पहला जो है राज्य के रूप में लोकतंत्र, उस राज्य के रूप में लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो क्या है, सारी जो ताकत है शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। यह क्या है एक सैद्धांतिक रूप है। पहले भाग को क्या कहा जाता है, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक रूप कहा जाता है। यानी पहला भाग क्या है सैद्धांतिक रूप है, दूसरा भाग है
शासन के रूप में लोकतंत्र, व्यवहारिक रूप। जो अवधारणा राज्य के रूप में लोकतंत्र की है, वही सेम टू सेम जो अवधारणा होगी वो किसकी होगी? दूसरे शासन के रूप में लोकतंत्र की भी होगी, क्योंकि शासन भी किसका होगा लोकतंत्र में? जनता का होगा। प्रभुसत्ता भी किसकी होगी? जनता की होगी। निर्माण का, नियंत्रण का, हटाने का, पदच्युत करने का अंतिम शक्ति या अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? जनता के पास होगी। लेकिन बस अंतर क्या है? यह तो क्या है, एक सैद्धांतिक रूप है राज्य के रूप में लोकतंत्र। उदारवादी भाग का सैद्धांतिक रूप तो क्या है? राज्य के रूप में लोकतंत्र। और व्यवहारिक रूप क्या है? शासन के रूप में लोकतंत्र। कहने का अर्थ ये हो गया कि एक राज्य को डेमोक्रेटिक स्टेट बोला जाता है। डेमोक्रेटिक स्टेट अगर बोला जाता है तो उसको ऐसा इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उसमें क्या है? शासन के रूप में लोकतंत्र होगा, यानी शासन किसका होगा? जनता का होगा। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से उसका नाम क्या होगा? डेमोक्रेटिक स्टेट। और व्यवहारिक रूप से उसका नाम क्या होगा? शासन के रूप में लोकतंत्र। ठीक है, तो इसके उदारवादी विचारकों के अनुसार इसके दो रूप हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, दोनों की अवधारणा के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसके अन्य रूपों के बारे में जानते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। अब क्या है? इसके दो उपभेद हैं। इसके दो उपभेद कौन कौन से हैं? एक तो है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। शासन के रूप में जो लोकतांत्रिक शासन है, शासन के रूप में लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक शासन जो है उसके दो रूप हैं, दो अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। दो भाग हैं इसके। देखिए, पहला भाग प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ हो गया कि जिसमें जनता सीधे तौर पर सीधा राज्य पर नियंत्रण करे, जनता सीधे तौर पर राज्य पर नियंत्रण करे और सारे फैसले जनता की सहमति से हो। नेक्स्ट जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है? जनता सीधा हर एक या प्रत्येक फैसला स्वयं न लेकर चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जनता के हित हेतु कार्य किया जाए, जिसमें प्रतिनिधि जनता के अनुसार ऐच्छिक रूप से चुना हुआ हो। ठीक है, जिस
कहने का मतलब ये हो गया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं फैसला नहीं करती है, बल्कि वह एक प्रतिनिधि को चुनती है जो उसके लिए या उस जनता के हित के हेतु कार्य करता रहे, और प्रतिनिधि को क्या है, जनता अपनी इच्छा के अनुसार ऐच्छिक रूप से अपनी मर्जी से चुनती है और वही क्या है उनके लिए कार्य करता है। तो ये क्या है, शासन के रूप में लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, दो अंग हैं। बाकी के इसके बारे में अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतने ही टॉपिक को कवर करते हैं, आप समझिएगा इसको एक बार देख के। नमस्कार।